हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है मोटोरोला G8 पावर लाइट। इसमें बताने वाले हैं माइक, स्पीकर और रिंगर जम्पर बारे में। ठीक है, सप्लाई सबके ट्रैक आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। हम सबसे पहले हम माइक के दिखा देते हैं। देखिए, माइक के ये दो ट्रैक होते हैं, ठीक है, और बीच वाला हमारा ग्राउंड होता है, गोल वाला आपको देख लेना है। यहाँ से होते हुए इन दोनों की सप्लाई माइक की दिखा देते हैं, कहाँ कहाँ आती है, कौन कनेक्टर पे कौन से पॉइंट पे आती है बता देंगे आपको। ये देखिए, यहाँ से होते हुए ये वाले इन दोनों पॉइंटों पे कनेक्टर पे आती है माइक की हमारी सप्लाई। ठीक है, यहाँ से आप काउंट कर लेना है, चौथे चौथे पे आती है और पांचवे छोड़ के छठे पे आती है पॉइंट पे, ठीक है, माइक की सप्लाई। और हमारा बचा रिंगर, गाने वाला, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे हमारी सप्लाई आती है रिंगर की। ठीक है, यहाँ से होते हुए एक कनेक्टर पे इन दोनों पॉइंटों पे आती है हमारी रिंगर की सप्लाई। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों पे, ठीक है ना। अब आपको बोर्ड पे दिखा देते हैं। बोर्ड पर यहाँ पर देखिए, इन दोनों पॉइंट पे आती है हमारी माइक की सप्लाई। यहाँ से आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7वें पे और 8वें छोड़ कर 9वें पे, इन दोनों पॉइंट पे आती है हमारी माइक की सप्लाई। यहाँ से होते हुए देखिए, यहाँ से होते हुए इन कुछ कैपेसिटरों पे होते हुए सीधे ये IC में जा रही हैं दोनों ट्रक। ठीक है ना, आपको ध्यान से देख लेना है। और यहाँ पर अगर सप्लाई मिल रही हो तो यहाँ से आपको जम्पर भी मार लेना है, अगर वहाँ पर नहीं आ रही हो तो। ठीक है, अब यहाँ से होते हुए ये ऊपर वाले हमारे माइक में जा रहे हैं सप्लाई, इस वाले में, ठीक है, इन दोनों पॉइंट की। अब हमारा रिंगर की सब दिखा देते हैं हम आपको। देखिए, रिंगर की सप्लाई इन दोनों फर्स्ट वाले पॉइंटों पे आती है, इन दोनों पे ही, ठीक है, यहाँ से होते हुए इन दोनों पॉइंटों पे आती है रिंगर की सप्लाई। फिर यहाँ से होते हुए आपको दिखा देते हैं कहाँ से कौन सी IC में से निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, इन दोनों इन कैपेसिटर पर आते हुए सीधे इन दोनों पॉइंट की सप्लाई IC में जा रही है, साउंड IC में। यहाँ से ही यह हमारे साउंड की बनते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको साउंड IC चेंज करनी पड़ेगी। अब हम एयर स्पीकर के जम्पर बता देते हैं आपको। ये देखिए, एयर स्पीकर सप्लाई इन दोनों पॉइंटों पे आती है। ठीक है, यहाँ से होते हुए अगर यहाँ पर आपको इन दोनों पॉइंट पे सप्लाई नहीं मिलती है तो आपको दिखा देते हैं कौन कौन से पॉइंटों पर सप्लाई आती है। ये देखिए, इन कैपेसिटर पर आती है, आपको यहाँ पर चेक कर लेना है एक बार ही। यहाँ पर नहीं मिल रही हो तो आपको यहाँ पर आपको ये वाली IC चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ही आती है हमारी एयर स्पीकर की सप्लाई बनती है यहाँ से। ठीक है, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।